Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. महिला मित्रों के साथ पार्टी कर रहे दो ट्रेनी लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सशस्त्र बदमाशों ने ट्रेनी सैन्य अफसरों को बेरहमी से पीटा और उनके साथ की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर फरार हो गए। वारदात में लूटपाट के इरादे से पहुंचे बदमाशों का हाथ सामने आया है। दो आरोपितों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ग्रामीण अनुराग के मुताबिक घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे की है। उत्तर प्रदेश के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के दो अफसर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित मैं आर्मी कॉलेज में प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए थे। मंगलवार रात दोनों अफसरों ने किराए पर कार मंगवाई और दो महिला मित्रों के साथ जाम गेट की ओर घूमने चले गए। कार छोटी जाम के समीप फायरिंग रेंज में खड़ी की और आपस में बातचीत करने लगे। इसी दौरान अचानक पिस्टल, चाकू और डंडे लेकर आए 8 बदमाशों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। सैन्य अफसरों और युवतियों के साथ मारपीट कर रुपए पर्स लूट लिए। बदमाशों ने एक अफसर और एक युवती को बंधक बना लिया और बाकी के एक युवती को और अफसर को ये कहकर रुपए लेने के लिए भेज दिया कि जब तक 10 लाख रुपए नहीं लाओगे इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। घबराया अफसर यूनिट पहुंचा और कमांडिंग अफसर को घटना बताई। सैन्य अफसरों ने तुरंत डायल 100 को सूचना दी और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। उनकी गाड़ियां देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए।